गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, हम लोगों से तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मेरे दोस्त संकल्प ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम चलते हैं वाटर पार्क घूमने, और फिर क्या हम लोग निकल पड़े इलाहाबाद के टिकट लिए, फिर ट्रेन में बैठे। और ये काफ़ी सुंदर सा व्यू आ रहा है क्योंकि हमारे नियर बाई में कोई वाटर पार्क नहीं है टाउन में, तो इलाहाबाद ही जाना पड़ता है या कानपुर जाना पड़ता है। मैंने सोचा अपने दोस्त से कुछ बात करते हैं, पर भाई साहब तो वीडियो कॉल में लगे हुए हैं, ये यश की इनका कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। एंड फिर इलाहाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां में थोड़ा कॉलेज का काम था, हमने कॉलेज का काम निपटाया। और उसके बाद देखिए जब मेरा स्टेशन आने वाला था, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लंबे समय बाद वाटर पार्क जा रहा था। मैं लास्ट टाइम जब मुंबई में था इमेजिका तब गया था, जब मैं मुंबई में रहता था। उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ, एक बार ब्लूवर्ड का प्लान बना था कैंसिल हो गया था, बट फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका है। एंड ये देखिए स्टेशन के बाहर निकलते ही काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बनी है। हमें थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा क्योंकि जिस बस स्टॉप पर हमें जाना था वाटर पार्क के लिए बस जहाँ से मिलती वहाँ की बस नहीं मिल रही थी। काफ़ी दूर 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक ऑटो वाले भैया मिले, जो उन्होंने कहा कुछ पैसे एक्स्ट्रा लूँगा पर छोड़ दूँगा। हमने कहा यार कोई नहीं, इतनी गर्मी है, आप भी मेहनत करें। उसके बाद हम लोग ने पिया शिकंजी, इतनी गर्मी थी भाई साहब, शिकंजी पीते ही ऐसा लग रहा था बॉडी में रिचार्ज और पूरी एनर्जी आ गई वापस। एंड बस का वेट करते करते फाइनली बस आ गई इंडिया। चाचा पता नहीं मुझे इसे घूर के क्यों देख रहे हैं। एंड बस में इतना ज़्यादा रश था, बाप रे। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए वाटर पार्क। एंड काफ़ी दिनों बाद मैं किसी वाटर पार्क पे घूमने आया हूँ, और ये देखिए कि हम लोगों ने मस्ती करना भी चालू कर दिया है यहाँ से। एंड पहले और जो ऑनलाइन रेट था टिकट का, उससे 30% ज़्यादा लग रहा था ऑफलाइन लेने में। मैंने कहा भाई गलती की, ऑनलाइन ऑफलाइन लेके ऑनलाइन ही बुक कर देना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब तो आ ही गए हैं। एंड ये देखिए ये वाटर पार्क आ गए, और ये बाहर से कुछ ऐसा कैंटीन वगैरह है, यहाँ पे पीछे झूले हैं बच्चों के और काफ़ी कुछ है। एंड उसके बाद हम लोगों ने शावर लिया, चेंज किया और पहुँच गए स्विमिंग पूल में मस्ती करने। एंड फिर हमारी मस्ती चालू हो गई, और ये मेरा दोस्त सबसे पहले स्लाइडिंग में गया। ये देखिए ओ भाई 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 भाई, ये गिर गए यहाँ पे, कोई नहीं। और उसके बाद हम लोग एक स्लाइड में गए जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं थी, हमें अपने पैर से ही स्लाउंड करना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मैंने कहा भाई इतनी लंबी स्लाइड खुद से घसीटनी पड़ रही, कुछ मज़ा ही नहीं आता। हमने कहा चलो चेंज करते, फिर हम लोग वापस स्विमिंग पूल में चले गए। एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो और ऊपर से चलते हैं, मैंने कहा चलो शुभ काम में देरी क्यों। और इतने ऊंचाई पे जाने के पहले तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था, फिर मेरे दोस्त के साथ मैंने कहा यार या अली मदद, और कूद गए पानी में। उसके बाद भाई साहब सीधा घुसते ही पहले तो मेरा चश्मा गिर गया अंदर, पर कोई नहीं, सही सलामत है। उसके बाद म्यूज़िक चल रहा था पीछे काफ़ी अच्छा, पर हम लोग सोच रहे थे कि वीडियो में लगा दें, बट कॉपीराइट इशू आप जानते हैं, पर कोई नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की म्यूज़िक में, डांस करते करते शावर लिया, और चारों तरफ घूमने के बाद कई जगह ऐसी थी कि हम फोन्स नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वहाँ कवर अवेलेबल नहीं था, और इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अपना एंड्रॉयड लेके गया था। आईफोन में बैटरी इश्यूज होता है आप जानते हैं। उसके बाद नहाया, एंड ये देखिए छोटे बच्चों की तरह झूला झूल रहा है, और इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो इसने चलते झूले में ही मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दिया भाई साहब, ये देखिए ए ए। और इसके बाद हम लोग निकल गए घर, एंड काफ़ी इन्जॉय करने के बाद हम घर चले गए। आप मोर मिनी ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।